पानीपत की ग्रामीण विधानसभा सीट में बदले सियासी समीकरणों के बावजूद कांग्रेस नेता पार्टी का जोरदार प्रचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। टिकट की दौड़ में अपनी संभावनाओं को देखते हुए जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र अहलावत भी जोर शोर से पार्टी का चुनाव प्रचार कर समर्थन की मांग कर रहे हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट में चुनावी समीकरण अभी चुनौतीपूर्ण और अनिश्चितता वाले लग रहे हैं। इन्हीं समीकरणों के बीच कांग्रेस के टिकट के लिए लंबी लाइन लगी है। टिकट की दौड़ में अभी आगे चल रहे नेताओं में जितेंद्र अहलावत ने अपने जनसंपर्क में पूरी ताकत लगाई हुई है। पानीपत के गांव बड़ौली में जनसंपर्क के बाद जितेंद्र अहलावत ने गाँव नूरवाला में वोटर्स को संबोधित किया और उनसे समर्थन मांगा। सुबह मैं बड़ोली गया था, वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अब कॉलोनियों में आया हूँ तो यहाँ भी सारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मैं नूरवाला और बिचपड़ी से हूँ। मेरा गांव, अब मैं 25 साल से नूरवाला और बिचपड़ी में रह रहा हूँ, तो वोट भी है मेरी यहाँ पे और यहाँ सपोर्ट भी है। मेरी कर्मभूमि भी यही है, मैं यहीं पे, मेरी फैक्ट्री है, यहीं मेरा घर है, अब सब कुछ यहीं मेरी कर्मभूमि है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जितेंद्र अहलावत को लगता है कि इस विधानसभा सीट में स्थित बाहरी कॉलोनियों में लोगों को अभी पूरी सुविधाएं न मिलने से उनकी परेशानियां बढ़ी हुई है। वो इनकी परेशानियों से वाकिफ। ऐसा है जी, समस्या, एक एक आदमी इतना दुखी है, उसके घर में पानी नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है, उसके घर में रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों को 3 महीने का इंतजार नहीं हो रहा। वो चाहते हैं आज इलेक्शन हो जाए और सारी चीजें पता लग जाएगी बीजेपी को, अब भाई क्या हालात है। ऐसे हाल, आईडी बनवाने जाए, फैमिली आईडी नहीं बनती है, रजिस्ट्री, ये प्लाट है यहाँ पे इनके, जो प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि कभी कुछ अड़चन है, कभी कुछ अड़चन है। गौरतलब है कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। कांग्रेस में टिकटार्थियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस नेता जितेंद्र अहलावत अपने लिए स्थितियां अनुकूल मान रहे हैं। शायद इसीलिए वो गांव-गांव और कॉलोनी बस्तियों में अपना जनसंपर्क तेज किए हुए हैं। उनका कहना है कि समाज में उनकी साफ छवि उद्योगपति होना और 5 साल तक जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर उनका काम उन्हें एक बेहतर सेवक साबित करने का मौका दे रहा है। पानीपत ब्यूरो, टोटल टीवी।